हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। मैं हूँ शिवानी रौतेला आपके साथ, और इस बार खबर ये लेकर आई हूँ कि ट्विंकल खन्ना यानी कि हमारे अक्षय कुमार की वाइफ, वो अगर कभी भी कॉफी विद करण में आती है तो कोई ना कोई खुलासा करती ही है। तो इस बार उन्होंने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया? अब हम आपको बता दें कि जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कमेंट कर दिया था जिससे हम सब ही शॉक में रह जाते हैं। अब ट्विंकल खन्ना अपनी बुक्स तो लिखती ही हैं, वहीं वो मूवीज में भी कई काम करी रहती थी, लेकिन अब उन्होंने मूवीज छोड़ दी है क्योंकि वो मूवीज बहुत ज्यादा फ्लॉप हो गई थी। और अक्षय कुमार ने भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 14 मूवी में काम किया है जिसमें से कि 12 फ्लॉप थी, और आपको बता दें कि 2 मूवी इन दोनों ने साथ की है और वो भी फ्लॉप रही है। इसलिए शायद ट्विंकल खन्ना ने अपनी मूवी करने का सपना तो छोड़ दिया। वहीं जब इनकी शादी हो गई और शादी के बाद इनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं आरव और नितारा, अब यही कॉफी विद करण में ट्विंकल खन्ना ने खुलासा किया कि 2 बच्चे जब आरव हुआ था तब ठीक था, लेकिन जब नितारा होने वाली थी या यूं कहें जब प्लानिंग भी नहीं की थी तो उन्होंने एक वादा लिया था अपने अक्षय कुमार से कि अगर सेकंड बेबी चाहिए तो आपको ये जो आड़ी टेढ़ी मूवियां करते हैं वो करनी छोड़नी पड़ेगी। अब वही अगर सबूत के तौर पे आपको बता दें कि जैसे सैंडविच मूवी में उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं कोई ऐसी मूवी नहीं करता जो मैं सोचूं कि अगर मेरे बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वहीं मुझे लग रहा है कि ट्विंकल खन्ना ने जब ऐसी बात कही होगी उसी के बाद इन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा। और उसके बाद ट्विंकल खन्ना ने कहा कि जब नितारा हुई उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी मूवी नहीं करी कि जिससे मैंने बोला होगा कि अगर आपने ये मूवी नहीं करनी तो आपने नहीं करी। वहीं ऐसे ही कई खुलासे ट्विंकल खन्ना करती ही रहती हैं। यही आपको बता दें कि अक्षय कुमार भी अपनी बीवी के तारीफों के पुल बांधते हुए हमेशा नजर आते हैं। उन्होंने बोला अगर ट्विंकल यानी कि टीना मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं कुछ नहीं था, मतलब अगर टीना मेरी लाइफ में आई है तो एक लकी चार्म की तरह आई है और आकर मेरी पूरी जिंदगी को चमका दिया है। अब जिसे कहते हैं ना कि किसी के कदम अगर किसी के घर पे पड़े तो वो और ज्यादा निखर कर सामने आता है, जी वैसे ही अक्षय कुमार ने अपनी टीना के बारे में कहा है। वही करण जौहर कुछ भी नया नया खुलासा तो लेकर आते ही रहते हैं, उन्होंने भी अंदर की बहुत सारी खबरें जानने की कोशिश करी, लेकिन ट्विंकल खन्ना यहीं पे रुक गई और उन्होंने बोला कि इतना ही है अभी के लिए और आगे कुछ होगा तो फिर मैं तो लेकर आती ही रहूंगी। वहीं ट्विंकल और अक्षय कुमार की बात करें तो बेहद ही प्यारा कपल है, और अक्षय कुमार यानी कि इतने फिटनेस फ्रीक जो हैं, उनकी अभी हाल ही फिलहाल में पृथ्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान आई थी मूवी जो कि बॉक्स ऑफिस में इतना कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उनकी रक्षाबंधन आने वाली है। अब उनकी रक्षाबंधन कैसी जाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अच्छे खासे प्रमोशन इनका चल रहा है और जल्द ही अगस्त में रक्षाबंधन आने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे ये मूवी जाती है, और उससे रिलेटेड कुछ आया तो मैं आपके साथ लेकर आती रहूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।